हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट लॉस रिकवरी प्लान। देखें, जो लोग काफ़ी टाइम पहले से स्टॉक मार्केट में जुड़े हैं और जिनका काफ़ी बड़ा लॉस हो गया है, 6 लाख 8 लाख 10 लाख, तो उनके लिए लॉस रिकवर करना इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, बट येस इट विल टेक टाइम, यू हैव टू हैव पेशेंस। बट मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि इंट्राडे पे लॉस करते हैं और लॉस करने के बाद जिनका कोई बैकअप प्लान नहीं रहता है कि मैं इस लॉस को कैसे रिकवर करूं। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके कुछ ट्रेड्स गलत जाएंगे जहां पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज एक्चुअली आर फ्रेंड। स्टॉप लॉस हमें बचाता है। देखिए, टारगेट हमारे हाथ में नहीं है। जब आप कोई भी इंडेक्स या स्टॉक पर एंट्री लेते हो, जब आप मार्केट पर अपना पोजीशन बनाते हो, उसके बाद कहां तक जाएगा वी डोंट नो। टारगेट हमारे हाथ में नहीं है, बट व्हाट इज इन योर हैंड दैट इज योर स्टॉप लॉस। एंड यही स्टॉप लॉस आपको एट द एंड आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। तो जो कॉमन सिली मिस्टेक होता है एक इंट्राडे ट्रेडर, खास करके अगर कोई नॉविस ट्रेडर है, तो वो स्टॉप लॉस ही, पहला बात तो ये है कि वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं। दूसरा है, स्टॉप लॉस हमेशा आपका छोटा होना चाहिए। अगर आपके स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? आपका टारगेट छोटा, आपके स्टॉप लॉस बड़ा। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू योर टारगेट। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैं लेवल्स पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम की लर्निंग चैनल पर, आई होप आप इस लेवल्स को फॉलो करते हैं। देखिए, 19th के लिए जो मैंने कल लेवल दिया था बैंक निफ्टी, वहीं से ब्रेकडाउन हुआ। सो ऑलवेज कीप एन आई ऑन दी लेवल्स। तो शुरू करते हैं। आज मैंने जो फर्स्ट मेरा वॉचलिस्ट था बैंक निफ्टी पर, दैट वाज ऑन 42,500, वेयर द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस वाज 350 एंड ये गया कहाँ तक, 439 तक। ठीक है, तो जो फर्स्ट ट्रेड था इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। फैजल अब्बास स्मार्ट ट्रेडर है, इन्होंने फर्स्ट ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक किया एंड अपना दुकान बंद कर लिया। दिस इज दी बेस्ट प्रैक्टिस कि आपका जैसे ही सुबह आपके दिमाग फ्रेश रहता है, आप डिस्टर्ब्ड माइंड में नहीं रहते हो, तो आपका जैसा ही ट्रेड चला गया, नो मैटर व्हाट द अमाउंट इज, आप अपना प्रॉफिट बुक करो, मार्केट से बाहर चले जाओ। तो इन्होंने आराम से ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया, दुकान वहीं पे बंद कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरी वॉचलिस्ट शेयर किया था विच वॉज ऑन 42,100। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड चला नहीं बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, जो हमारा डाउनसाइड लेवल है। मैंने मेंशन भी किया है, स्लो मूवमेंट, इफ आर डाउनसाइड लेवल डजेंट ब्रेक 422.55 यू कैन एग्जिट। तो अगर ये लेवल टूटता नहीं है तो आप अपना जो भी पोजिशन है आप निकल जाओ। एंड नेक्स्ट 10-15 मिनट में टूटा नहीं। अगर आपने इस वॉचलिस्ट पर ट्रेड किया है, 230 के भाव पर आपने एंट्री लिया है, आपको मैक्सिमम कितना लॉस होगा अगर आप एग्जिट कर जाते हैं? तो 30 पॉइंट 20 पॉइंट 40 पॉइंट, 1,000 का लॉट होता मैक्सिमम, 1,000 रुपीज़ लॉस होता आपके एक लॉट में। वहीं पर 230 से ये आ गया था आई थिंक अराउंड 130 के भाव में, यानी कि अगर आप इस पोजीशन को होल्ड करते हैं, आपके कैपिटल खड़े खड़े आधा हो जाता, 50% हो जाता। और कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एवरेज करते हैं। ठीक है, 230 से 200 आ गया, 180 आ गया, चलो और एवरेज मार लेते हैं, 140 आ गया, चलो और एवरेज मार लेते हैं। उसमें होता क्या है, कुछ नहीं है, योर कैपिटल गेट्स फिनिश्ड, योर एंटायर कैपिटल गेट्स ब्लोन अवे इन अ वेरी सिंगल डे। आप बर्बाद हो जाते हो, आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, आप दूसरे ट्रेड पर ध्यान नहीं दे पाते हो, आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचता है कि आप अगला ट्रेड लेंगे। तो आप नेक्स्ट ट्रेड कब लोगे? जब आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो टू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, आप भले ही 3-4 ट्रेड ले लो, आपकी जो लॉसेज है वो छोटा छोटा होना चाहिए, 400 500 800 1000 रुपया तक मैक्सिमम एक लॉट पर, उससे ज़्यादा आपका लॉस होना ही नहीं चाहिए। और आप टारगेट रखो कम से कम 3 से 5 हज़ार की प्रॉफिट। एंड इससे भी जो खतरनाक चीज़ जो करते हैं, दैट इज़ कैरी फॉरवर्ड। ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, भाव नीचे गिर गया, एवरेज किया नहीं चला, फिर और भाव नीचे आ गया,
लोग क्या सोचते हैं, ठीक है कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अगला दिन निकल जाएंगे, अगला दिन जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे निकल जाएंगे, शायद एक दो दिन वो बच भी जाते हैं, बट एक दिन ऐसा आ जाता है जहां पर उनकी पूरी कैपिटल जीरो हो जाता है। ये गलती मत करना। वहीं पे आप तीसरा ट्रेड देखो, तीसरा वॉच लिस्ट, दिस वॉज माई थर्ड वॉच लिस्ट, बैंक निफ्टी 42,500 पी, 375 से कहां गया 475। तो मेरे भाई, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है नॉट वंस मल्टीपल टाइम्स, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सारे ट्रेड्स जैकपॉट नहीं होंगे, एकाध होंगे, बट जो एकाध ट्रेड जो आपका जैकपॉट होगा ना, दैट विल रिकवर ऑल योर लॉसेस। कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर आप लॉजिकली ट्रेड कर रहे हो तो आपके चारों ट्रेड गलत नहीं होगा, दो गलत हो सकते हैं, तो उस दो में आपके छोटे छोटे लॉसेस होंगे, और जो ट्रेड आपका चल दिए उसमें आपका 5,000, 10,000, 15,000 आपका इनकम हो जाएगा, एंड ऑल योर लॉसेस विल गेट रिकवर्ड। मिस्टर विनय सर, जिनके बारे में मैं कल ही बात कर रहा था, उनको आज नुकसान हुआ है, बट नुकसान छोटा एंड प्रॉफिट बड़ा। यहां पर देखो, 5,800, 49,000, 1,03,000, 28,000, आपको लग रहा है ये क्या छोटे लॉस है? दीज आर बिग लॉसेज, आपके लिए बड़ा लॉस है, बट विनय जी के लिए काफी छोटा लॉसेज है, क्योंकि उनका डेली का टारगेट 4 से 5 लाख रुपया वो लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली उनके जो लॉसेज हैं एज कंपेयर टू योर्स थोड़ा ज्यादा ही होगा। बट वहीं पर देखिए उनका प्रॉफिट 1,48,000। जीरोधा, उनका दो अकाउंट है, एक जीरोधा में एक एंजल में, तो जीरोधा में उनका नेट लॉस है 12,000। कितना? 12,000। जब वो कमाते हैं कितना कमाते हैं? 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख। जब वो नुकसान करते हैं नेट लॉस कितना? 12,000। वो कभी 2-4 लाख रुपया लॉस करते ही नहीं है। अगर उतना ही लॉस करना पड़ा तो फिर मार्केट से ही निकल जाएंगे ना। अब यहां पर देखिए, एंजल, एंजल की अकाउंट का है, सेम डे आज का ही है, यहां पे भी उनका लॉस हुआ है 14,000, 85,000, 23,000, बट देखिए जहां पे उनका प्रॉफिट हो रहा है 25,000, 96,000, एट द एंड उनका नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट है एंजल पर 37। सो इफ यू डिडक्ट 12,000 लॉस फ्रॉम 37,000, आज उनका एट द एंड ही इज प्रॉफिटेबल। व्हाई? देखिए वो खुद कहते हैं, टुडेज वॉज अ रोलर कोस्टर डे, बट विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस आई वॉन्ट एबल टू रिकवर ऑल माई लॉसेस। सर अगर आज वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो दिन का जो आखिरी में 20,000, 15,000 जो भी कमाए, ये लाखों का नुकसान में हो जाते, एंड ही वुडेंट बी इन अ पोजिशन टू ट्रेड फॉर टुमारो। ये हमारा मोहित भाई, छोटे छोटे ट्रेड करते हैं, ठीक है, 367 लॉस, 658 रुपीज प्रॉफिट। भले ही छोटा सा प्रॉफिट है, आपके PNL तो रेड में नहीं है, वो तो ग्रीन में है, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि वो 2-4 हजार नुकसान देने से अच्छा है ना कि कम से कम घर में 300 रुपया भी आ रहे हैं। और ये स्टॉक मार्केट है, ये होगा आपके साथ, हर दिन बड़ी कमाई नहीं होगी, हर दिन आप बड़ी टारगेट लेके नहीं चल सकते हो कि आज मुझे 5,000, 10,000 कमाना है। मार्केट डिसिप्लिन्ड वे ट्रेडिंग करके जितना देगा आपको, उतना ही प्रॉफिट लेके जाना है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। एंड एट द लास्ट, मैंने एक निफ्टी का भी वॉच लिस्ट शेयर किया था ऑन माई लेवल्स चैनल। तो ये ट्रेड के लिए तो आप तभी बचोगे ना जब आप स्टॉप लॉस को यूज करोगे, अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, बट इन ऑर्डर टू टेक दोज अपॉर्चुनिटीज आपके पास फंड्स होने चाहिए, और आपके पास फंड्स तभी होंगे जब आप छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, जब आपका लॉस छोटा होगा एंड आपका रिवार्ड बड़ा होगा, तो धीरे धीरे आपके जो ये फंड है इसमें आपको ग्रोथ दिखती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, तो हमेशा छोटे छोटे लॉसेस लेते रहो, वहीं पे आपको बीच बीच में बड़े जैकपॉट्स लगते रहेंगे।